ये फसाद बीजेपी गवर्नमेंट का एक साजिश का हिस्सा है, साथ ही साथ इसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी हाथ है। सॉफ्ट हिंदुत्व में भी मारने की रीति है और हार्ड हिंदुत्व में भी मारने की रीति है। ब्राह्मण लोग हमेशा आमने सामने की लड़ाई लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो हमेशा रिमोट कंट्रोल हाथ में रखते हैं और पर्दों पर बैकवर्ड कास्ट को, राम मंदिर के इश्यूज में बैकवर्ड कास्ट को आगे किया, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का डीएनए भारतीय मूल निवासी लोगों से नहीं मिलता, उनका डीएनए काला समंदर के किनारे एक देश है जिस देश का नाम यूरेशिया है, और यूरेशिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं इनका खून यहूदी नस्ल का है, तो यहूदी लोगों का खून और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का खून एक मिलता है। मान लो कोई विदेशी है, मान लो कोई चोर है, अगर एक नगर में एक जिले में एक चोर है, मैंगलोर सिटी में एक चोर है, तो एक चोर के लिए तुम हर घर में बेल बजाकर उसकी नोक करके उसको बोले कि तुम चोर हो, यानी पूरे सिटीजन को चोर की तरह ट्रीट करना एक अहिंसा भी है। और 8 करोड़ आदिवासी कैसे प्रूव करेंगे? आपको जानकारी के लिए 11 करोड़ घुमंतु जनजाति के लोग हैं, वो कैसे सिद्ध करेंगे नागरिकता? भारत की आधी आबादी इसमें लपेट में आएगी, आधी से ज्यादा लपेट में आएगी। तो एनपीआर एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इसलिए एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा इसके बारे में गंभीर होना है और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। डीएनए बेस एनआरसी, डीएनए बेस सीए, डीएनए बेस एनपीआर के तहत 26 मार्च को भारत बंद करने वाले हैं। मैं जाकिर और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर विलास खात्रे, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो चलिए उनसे एनआरसी, एनपीआर और दिल्ली में जो दंगे हुए हाल ही में, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। प्रोफेसर खात्रे, प्लीज वेलकम टू द इंडियन मीडिया बुक। सर, फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में जो लास्ट वीक जो दंगे हुए थे मुसलमानों के खिलाफ, एंड मोर क्लोज टू 49 लोग मरे थे, जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन ये पहली बहुत अरसों में पहली बार दिल्ली में इस तरह की दंगे हुए हैं। इसके बारे में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और आप खुद भी एक इंटेलेक्चुअल है, आपका राय क्या है इसके बारे में कि व्हाई डिड दीज राइट्स हैपन, स्पेशली जहां पे एक हेड ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं, इतने बड़े लीडर जहां दिल्ली का जरिया कर रहे थे, ये दौरान पे ऐसे दंगे करवाने का वजह क्या थी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इसके दो एस्पेक्ट है। इंटरनेशनल लेवल पर इसके क्या असर हुए जी, जबकि भारत सरकार के पास आर्मी है, भारत सरकार के पास रक्षा विभाग है, और भारत में इसके क्या असर हुए? पहली बात तो दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जी, और वहाँ सारे लोग महफूज है, ऐसे लोग मानते हैं, इस बात को धक्का पहुँचा जी। ये फसाद सही है कि मुसलमानों का बड़ा आंदोलन दिल्ली की राजधानी में शाहीन बाग के माध्यम से चल रहा है, और पूरे विश्व में ये सरकार की नाकामयाबी एक्सपोज हो रही है। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इस आंदोलन को डर दिखाना, ये भी एक मकसद था। मगर ये फसाद बीजेपी गवर्नमेंट का एक साजिश का हिस्सा है, साथ ही साथ इसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी हाथ है। कैसे? क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तो एक सेक्युलर, हानि वो बता रहा हूँ, सेक्युलर आपको लग रहा होगा जी। केजरीवाल जो है ईवीएम के माध्यम से जितवा कर लाया गया, जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के पहले केजरीवाल के नेता ने बयान दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी और हम हारेंगे, और दूसरे दिन रिजल्ट आया, केजरीवाल की पार्टी जीत गई, और कई सीटों पर वीवीपीएटी और ईवीएम के आंकड़े मैच नहीं हुए जी। कितना बड़ा घबला हुआ है, 38 से ज्यादा सीट्स पर ईवीएम की पर्चियां, ईवीएम के आंकड़े और वीवीपीएट क्यों मैच नहीं हुआ? इसको लेकर बीजेपी के लोग क्यों चुनौती नहीं दिया चुनाव आयोग को, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2009 में दिया था जी। दूसरी बात, वो चुनाव जीतने के बाद किसके पास गए? जनता के पास नहीं गए, हनुमान जी के पास गए जी। और मीडिया में बहस भी चली कि केजरीवाल का हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में क्या अंतर है,
नहीं, कुछ लोग बोलते हैं उनका हार्ड हिंदुत्व है, इनका सॉफ्ट हिंदुत्व। सॉफ्ट हार्ड हिंदुत्व कांग्रेस वाले के बारे में बोलते हैं जी। सॉफ्ट हिंदुत्व में भी मारने की रीति है और हार्ड हिंदुत्व में भी मारने की रीति है। वो बम ब्लास्ट से ये दिल्ली के फसाद से सिद्ध हुआ सॉफ्ट हिंदुत्व कितना डेंजर है। तो ये राय है कि ये प्लानिंग के साथ हुआ। ये जो फसाद है इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो NRC CA NPR के खिलाफ जो पूरी देश भर में सरकार के खिलाफ जनमत बढ़ रहा है, इसको इसकी विद्रोह की हवा को निकालना, ये इसके पीछे मकसद था। इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए ट्रंप की मौजूदगी में ये फसाद करवाने का संबंध एक यहूदी ग्रुप्स को मैसेज देना है कि आप ही दुनिया में ज़्यादा खूंखार नहीं है, हम और आपके DNA एक है, तो आपसे ही हम लोगों ने सीखा है और हम आपसे ज़्यादा हिंसक हो सकते हैं। और इतनी बड़ी आबादी को हम ब्राह्मण लोग केवल कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी हत्या तक करवा कर हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, एक मैसेज देने का है। बट व्हाट ये मैसेज देने का पॉइंट क्या है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव? वो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते, बीजेपी के लोग भारत के संविधान को नहीं मानते जी। केजरीवाल भी भारत के संविधान को नहीं मानता है। केजरीवाल 2006 में उसका एक ऑर्गेनाइजेशन था यूथ फॉर इक्वलिटी, उसके बयान तक आए हम संघी लोग हैं, हमारे दादा परदादा RSS में काम करते थे। ओरिजिनली वो रिजर्वेशन के खिलाफ पॉलिसी बनाकर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ओरिजिनली वो लोकपाल के नाम पर संविधान की कमियां बताकर संविधान के ही खिलाफ एक नया अभियान चलाने के लिए उसको प्रमोट किया गया। अन्ना हजारे ने खुद बयान दिया दिल्ली चुनाव के पहले कि बीजेपी के लोगों ने मुझे यूज करके फेंक दिया। अगर अन्ना हजारे को यूज करके फेंक दिया तो केजरीवाल को क्यों फेंका नहीं? लेकिन व्हाई वुड बीजेपी नीड समवन लाइक केजरीवाल? उनको केजरीवाल यूज करने की क्या जरूरत है? केजरीवाल तिवारी को बिठा देते हैं, उसको जिताने की क्या जरूरत है? सही बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन वर्ण के लोग, इसमें क्षत्रिय और वैश्य असंतुष्ट है जी। तो बनिया बिरादरी से है केजरीवाल, केजरीवाल को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई हम लोगों ने तुमको आजाद करवाने मदद की, हमको क्या देने वाले हो? तो वो बनिया बिरादरी को खुश करने के लिए उसको आगे किया। जैसे अमित शाह, अमित शाह का ब्राह्मण है, अमित शाह तीसरे वर्ण का है जी। मगर अमित शाह को आगे करके CA बिल लाया। लेकिन व्हाट इज द पॉइंट? ब्राह्मण लोग हमेशा आमने आमने सामने की लड़ाई लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो हमेशा रिमोट कंट्रोल हाथ में रखते हैं और पर्दों पर बैकवर्ड कास्ट को, राम मंदिर के इश्यूज में बैकवर्ड कास्ट को आगे किया, हमेशा लड़ाने के लिए बैकवर्ड कास्ट का यूज किया, फसाद करवाने के लिए बैकवर्ड कास्ट का यूज किया। मगर जहां सत्ता का केंद्रीकरण होता है वहां क्षत्रिय और बनिया को साथ में लेता है। अब तक तो कॉर्पोरेट सेक्टर सारे पूंजीपति लोग है, पूंजीपति लोग चुनाव में पैसा डालते थे और उससे वो वसूल करते थे। जो कांग्रेस के साथ होता था कांग्रेस की सत्ता आती थी, अब बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है तो सत्ता में भी उनको भागीदार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप केजरीवाल के बारे में बात करते हैं, ही इज नोन एज समबडी हु इज प्रो पुअर। वो प्रो बीजेपी है, उसके सारे दस्तावेज हमारे पास है। वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और मीडिया उसको दिखा रहा है। ये हिंदुत्व के बलबूते पर चुनाव जीता जी। ये जो दिखाया जा रहा है वो ओरिजिनल RSS का है जी। वेल इसके बारे में चर्चा में डिटेल में दूसरी इंटरव्यू, दूसरा डिबेट हो सकता है। मेन इश्यूज पर आपने NPR और NRC है। द गवर्नमेंट अप्रैल 1 तारीख से दे वांट टू इंप्लीमेंट NPR पूरे इंडिया में, और इनका ये मानना है कि NPR किसी को भी इफेक्ट नहीं होगा इतना। लेकिन लोग जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे से दैट NPR एक NRC का एक दूसरा हिस्सा, इट्स जस्ट अनदर नेम फॉर NRC। तो आपका ये मानना क्या है, क्योंकि इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शाहीन बाग हो रहा है और पूरी इंडिया में इतने एक क्लोज टू 20 शाहीन बाग हैं, इतने सारे लोग मरे हैं दिल्ली में, पता नहीं कितना 49 लोग मरे हैं अब तक जो ऑफिशियल गिनती है, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों की घरें बर्बाद हो गए हैं। UP में जब दंगे, जब पुलिस की ब्रुटैलिटी हुई थी प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, वहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग मरे थे। मंगलोर में मरे हैं 2 लोग। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट इज हेल बेंट ऑन इम्प्लीमेंटिंग NPR। इसके बारे में क्या कहते हैं कि NPR क्या है, थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए लोगों को ताकि समझ में आ जाए। NPR जो है ये CA NRC का ही एक हिस्सा है जी, इसको अलग नहीं किया जा सकता। CA NRC से भारत के लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी,
अमित शाह मोदी भले ही कह रहे हो कि हम भारत के लोगों को नागरिकता दे रहे छीन नहीं रहे हैं, तो जब आसाम में एनआरसी हुई थी तो 19,48,000 लोगों की नागरिकता छीनी गई और उन लोगों को डिटेंशन कैंप में डाला गया, जिसमें 15,00,000 लोग नॉन मुसलमान हैं और 4,48,000 लोग मुस्लिम हैं, ज्यादा तादाद में नॉन मुसलमान है, SC ST OBC है। वो कहते हैं कि बंगाली हिंदूज हैं, तो वो हिंदूज है जी। तो तुम हिंदू को भी गुमराह कर रहे हो, तुम हिंदू को भी कह रहे हो, तो कैब लेके आ रहा है। तो जनता एनआरसी से अलर्ट हो गई जी। SC ST OBC को हिंदू कह रहे हो, हिंदू हिंदू तो नहीं, हिंदू का मतलब ब्राह्मणों का गुलाम, हिंदू केवल नाम ले रहे। दरअसल मामला सरकारी ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये कहा गया है कि NRC का CA का पार्ट NPR है जी। ये कोई डाउट नहीं है। अब NPR क्या करेगा? NPR दो खतरनाक काम करेगा। नंबर एक, आपकी डाटा लेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट की जानकारी लेगा, आपका रेजिडेंशियल जानकारी लेगा, आपका एड्रेस प्रूफ लेगा, आपकी सारी जानकारी इकट्ठा करेगा। और उनको अगर लगा स्पेलिंग मिस्टेक, उनको अगर लगा ये पर्सन डाउटफुल है, तो उसको चिन्हित करेंगे, डाउटफुल लिस्ट में डाल देंगे जी। और आपको SMS के जरिए से मैसेज आएगा कि आपकी नागरिकता डाउटफुल है, इसलिए आपको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाना है जी। यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो जानकारी ले रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करेंगे। सही, इसकी ज्यादा ये गुंजाइश है कि इसका वो मिसयूज करेंगे। तो इसीलिए जो NPR है, ये CA NRC का ही काम करने का साधन है जी। ये पूरे 130 करोड़ लोगों के साथ इस पर लागू करना, इसका मतलब है कि ये चोरों की तरह इन भारतीय लोगों के साथ व्यवहार करना है। मान लो कोई विदेशी है, मान लो कोई चोर है, अगर एक नगर में, एक जिले में एक चोर है, मैंगलोर सिटी में एक चोर है, तो एक चोर के लिए तुम हर घर में बेल बजाकर उसकी नोक करके उसको बोले कि तुम चोर हो, यानी पूरे सिटीजन को चोर की तरह ट्रीट करना, ये का हिंसा भी है जी। तुम भारत के नागरिकों को परेशान क्यों कर रहे हो? Exactly. अगर तुम NPR कर रहे हो तो NPR का मतलब क्या है? पॉपुलेशन का आंकड़ा चिन्हित करना है ना, तुम्हें जनगणना के लिए। ये NPR लाया अटल बिहारी वाजपेयी ने जी। वास्तविक तौर पर अगर इसको समझना है, NPR कांग्रेस ने भी लाया, NPR BJP भी ला रही है, तो इन दोनों का जो मकसद था वो अभी क्लियर हो रहा है। NPR से भारत के लोगों की नागरिकता छीनने जाने का बड़ा खतरा है। और इसमें ये भी एक क्लॉज जोड़ दिया, आपकी माँ और बाप का बर्थ सर्टिफिकेट लाना होगा जी। तो NRC CA में क्या है? Exactly. वही मामला है। 1951 के पहले का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। अगर बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग औरत है, मान लो 70 साल की औरत है, 70 साल का बुजुर्ग आदमी है, उसको भी पूछा जाएगा तुम्हारे माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट दो। अब उसकी माँ बाप तो जिंदा है ही नहीं। सही। उसकी माँ बाप का जन्म 1951 को हुआ है या 1951 के पहले हुआ है, उसका अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो अपने माँ बाप का कहाँ से लाएगा जी। नरेंद्र मोदी का बर्थ सर्टिफिकेट है तो TV पर दिखा है, नरेंद्र मोदी का माँ जिंदा है वो भी दिखा है अपनी माँ का, उनके पास भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये NPR NRC CA का ही हिस्सा है और ये बहुत बड़ा धोखा है। और ये भारत का झगड़ा करने का, विभाजन करने का ये सोची समझी साजिश है। इसका खिलाफ केवल मुसलमान को विरोध में अकेले नहीं आना चाहिए, बल्कि भारत की तमाम नागरिक SC ST OBC इसको पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए। और जो 1 अप्रैल से जो NPR होगा इसका बायकॉट करना चाहिए जी। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इनफैक्ट दो क्वेश्चन है। बहुत सारे मुसलमानों का ये मानना है कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सो व्हाट इज़ द हार्म, हम दिखा देंगे, जिसके पास नहीं है उनको जाने दीजिए, ये एक है। और द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ विल दिस NPR और NRC अफेक्ट दलित्स या SC ST को, ये इफेक्ट कैसे होगा? व्हाई शुड दे सपोर्ट मुस्लिम्स? और ये जो NPR है इसके बारे में मुसलमान सड़क पर क्यों है जी, इसकी वजह है ना कुछ वजह exactly. है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरी आप जो कह रहे हैं कि मान लो कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जी। अब जो आसाम में NRC हुआ था उसमें राष्ट्रपति
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार को एनआरसी से आउट किया जी, कैसे यकीन किया जा सकता है? यस, वहां के पूर्व सीएम आसाम की महिला थी, उनका और उनका परिवार पूर्ण नागरिकत्व से वंचित है। यस, कारगिल युद्ध में जो लड़ाई लड़े उनके परिवार में से 15 लोगों को सदस्यता मिली, 35 लोगों को सदस्यता नहीं मिली जो कारगिल युद्ध में जंग लड़े जी। अब उन लोगों का हश्र देखो, बच्चों का एनआरसी में नाम है, माँ बाप का एनआरसी में नाम आउट है, कैसे संभव है? तो उनकी नियत पर लोगों को डाउट है, सरकार की सोच पर लोगों को डाउट है। वो जायज बात है, वो न्याय करने वाले नहीं, वो जो सरकार में बैठे हुए लोग है वो उल्टे कलेजे के लोग है, वो कसाई लोग है। वो कह रहे हैं कि आप सबको हम काटेंगे बशर्ते आपको एक ऑफर है, कौन से मसाले में तलना है, है? जी। मतलब वो तो रहम दिल लोग है नहीं। दूसरी बात, इसका ज्यादा इफेक्टेड एससी एसटी ओबीसी के लोगों के ऊपर होगा। अच्छा। क्योंकि उन लोगों के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब मान लो 8 करोड़ आदिवासी है जी। आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, उनके पास कहां से बर्थ सर्टिफिकेट है? उनके पास तालीम की कमी है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास सरकार की योजना तक नहीं जाती है, सड़कें नहीं है। और 8 करोड़ आदिवासी कैसे प्रूव करेंगे? आपको जानकारी के लिए 11 करोड़ घुमंतू जनजाति के लोग हैं, वो कैसे सिद्ध करेंगे नागरिकता? भारत की आधी आबादी इसमें लपेट में आएगी, आधी से ज्यादा लपेट में आएगी। तो एनपीआर एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इसलिए एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा इसके बारे में गंभीर होना है और इसको आप पुरजोर विरोध करना चाहिए जी। तो इस महीने 26 तारीख को आप एक भारत बंद भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बोलिए। बहुजन क्रांति मोर्चा ने 29 जनवरी को भारत बंद किया था, उसका एक असर हुआ। क्या असर यह हुआ कि पार्लियामेंट में बीजेपी सरकार को ऐलान करना पड़ा कि एनआरसी को अभी लागू नहीं करेंगे जी। कोई डंडा पड़ा तब ना बोलना पड़ा, ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? महिलाएं लड़ रही है, मुसलमान लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, मगर ऐसी कोई मिशन, कोई राष्ट्रीय मूवमेंट देश भर में खड़ी हुई हो बहुजन क्रांति मोर्चा के जरिए से, उसका असर हुआ। मगर संकट तो बरकरार है, रद्द तो नहीं हुआ, बरकरार है जी। अब उन्होंने देखा सीए एनआरसी का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और वो संगठित रूप से नॉन मुसलमान ज्यादा बड़े पैमाने पर कर भी सकता और कर भी रहे, तो उन्होंने एनपीआर लाया। तो अभी भारत में बहुत बड़ी लीडर है हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के, और बहुजन क्रांति मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनाब वामन मेशराम साहब ने 20 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग लिया। इसमें ऐलान हुआ कि 4 चरण में भारत बंद की तैयारी होगी। भारत बंद 26 मार्च को होगा, उसके पहले 3 मार्च को पूरे देश भर में सारे तहसीलों में 4,500 तहसीलों में 31 राज्यों में एक साथ धरना आंदोलन, फिर 11 मार्च को 4,500 तहसीलों में रैली प्रदर्शन, फिर 18 मार्च को भारत में सभी ब्लॉक्स लेवल का रैली प्रदर्शन, और 26 मार्च को पूरे भारत भर में 1,11,000 सेंटर पर भारत बंद। तो लोकतांत्रिक ढंग से ये दूसरा भारत बंद है जी। पिछला बार जो हुआ 10,500 सेंटर पर भारत बंद हुआ और कम समय में हुआ, अभी ज्यादा समय है। मगर उस ऐलान में यह भी तय हुआ कि पूरे देश भर में एससी एसटी ओबीसी नॉमेडिक ट्राइब और माइनॉरिटी लोगों को जो एक महान कार्य करना होगा, मोहल्ला कमेटी बनाना होगा जी। मोहल्ला कमेटी का मतलब है कि 1 अप्रैल से अगर एनपीआर के नाम पर सरकारी कर्मचारी आ जाए तो लोगों को, अकेले लोगों को उसको जानकारी नहीं देना है। बस लोगों को कहना है कि आप हमारे मोहल्ले कमेटी के लोगों को मिलो, वो आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन बने हैं क्या कुछ कमेटी? मोहल्ला कमेटी पूरे देश भर में बनना शुरू हो गया 3 मार्च को पूरे देश भर में। अच्छा। उस मोहल्ला कमेटी के माध्यम से, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से धरना आंदोलन भी हुआ। अच्छा। सरकार की धमकी आने के बावजूद शुरू हुआ। दिल्ली का हिंसा का हवाला देकर वो परमिशन रद्द कर रहे थे, तो हमारे लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट मान्य कर रहा है कि एनआरसी सीए एनपीआर का विरोध करना कोई राष्ट्रद्रोह थोड़ी है, वो तो जनता का मौलिक अधिकार, हम विरोध करेंगे। तो सरकार पूर्ण रूप से डरी हुई है और पूरे देश भर में मोहल्ला कमेटी बनाने का अभियान शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से मोहल्ला कमेटी बायकॉट एनपीआर ये अभियान चलाएगी, मगर अभी बायकॉट एनपीआर
डीएनए बेस एनआरसी, डीएनए बेस सीए, डीएनए बेस एनपीआर के तहत 26 मार्च को भारत बंद करने वाले हैं। अच्छा, डीएनए बेस मतलब what अभी दो ये भी मामला आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को बताना चाहते हैं जी। उन्होंने सरकार ने ऐलान किया कि 1951 के पहले के आपके दादा पर दादा का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे आपको नागरिकता मिलेगी। यानी उन्होंने हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा राशन कार्ड, हमारा पासपोर्ट, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारा पासपोर्ट, ये सारा का सारा कचरा घोषित कर दिया, रद्द घोषित कर दिया। यानी हमारे भारतीय लोगों के पास जो नागरिकता है वो रद्द घोषित कर दी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तो ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी और किसान हो उसका रेवेन्यू डॉक्यूमेंट, ये कोई नागरिकता का आधार नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है खुले तौर पर हमें एक बड़ी गुलामी में धकेलना चाहते हैं और इसके लिए न्यायपालिका का मिसयूज किया जा रहा है। न्यायपालिका का जनता के हक में कोई फैसला नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब है। तो वो अगर हमारे डॉक्यूमेंट को कचरा घोषित कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या आधार है? नागरिकता सिद्ध करने के बाद भारत के आवामों के पास क्या अधिकार है? तो हम खुद चलते फिरते लोग, जिंदा लोग ही एक डॉक्यूमेंट है। हमारे शरीर में से दो बूंद खून निकाला जाए, अच्छा, और मोहन भागवत का भी दो बूंद खून निकाला जाए, उसका भी लेबोरेटरी भेजा जाए, हमारा भी लेबोरेटरी भेजा जाए, आरएसएस बीजेपी वालों का चेक किया जाए, हमारा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों का भी चेक किया जाए। अब जिनका इस मिट्टी से खून मिलेगा वो मूल निवासी, जिनका इस मिट्टी से खून नहीं मिलेगा वो विदेशी। अब हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को डरने की जरूरत नहीं है। 21 मई 2001 को डॉक्टर माइकल बामशाद ने, जो अमेरिका का साइंटिस्ट था, उन्होंने प्रूव कर दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 15% लोग है, इनका खून एससी एसटी ओबीसी नॉमेडिक ट्राइब और माइनॉरिटी लोगों से नहीं मिलता, बल्कि एससी एसटी ओबीसी नॉमेडिक ट्राइब और माइनॉरिटी का आपस में एक मिलता है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का डीएनए भारतीय मूल निवासी लोगों से नहीं मिलता। उनका डीएनए काला समंदर के किनारे एक देश है जिस देश का नाम यूरेशिया है, और यूरेशिया के अंदर रहने वाले जो लोग है इनका खून यहूदी नस्ल का है। तो यहूदी लोगों का खून और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का खून एक मिलता है। इसका मतलब है हम एससी एसटी ओबीसी मूल भारतीय लोग है और ये फॉरेनर लोग है, ये यहूदी नस्ल के लोग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये भारतीय लोग नहीं है। 2019 में भी दो रिपोर्ट आए, अगस्त 2018 को आए और सितंबर फर्स्ट वीक में राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट आया। ये तीनों रिपोर्ट प्रूव करते हैं कि ब्राह्मण भारत में आने का, तारीख भी बताया, निकले थे ईसा पूर्व 3300 में काला समंदर के भूभाग के किनारे, यूरोप में गए, वहां हिंसा करके वहां के पुरुषों की हत्या की, महिलाओं का यूज किया, भारत में आए 3% ब्राह्मणों ने, 3% यहाँ की मूल निवासी महिलाओं का यूज किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की महिलाओं का डीएनए उनके पुरुषों से नहीं मैच होता, उनका डीएनए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से मैच होता। क्यों? वो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है महिलाओं का वो चेंज नहीं हुआ, वो वही का वही है, पुरुषों का चेंज हुआ। तो भारत से ब्राह्मणों को भागना होगा। अच्छा, अगर ये एनआरसी डीएनए बेस हो जाए, एनपीआर डीएनए बेस हो जाए, सीए हो जाए, तो जो आक्रंता, आक्रमणकारी, घुसपेटी कौन है? पहला घुसपेटी तो ब्राह्मण है। अच्छा, तो डीएनए बेस करने से सारे सवाल का जवाब है, और डर ही भाग जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट को मान्यता नहीं दे रहे तो भाई आपका खून ही एक डॉक्यूमेंट है। सही। सो व्हाट इफ ब्राह्मण्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, उनका क्या? ब्राह्मण एक्चुअली कहा जाए तो इस्लाम मसावाद को मानता है, गैर बराबरी को नहीं मानता जी। कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नहीं, उनका उनका डीएनए उनका ये नहीं जी। और जो समंदर होता है वो इस्लाम एक समंदर की तरह है जी। कोई छोटे हिस्से से आकर समंदर का हिस्सा बन जाए फिर भी अपनी ब्राह्मण पहचान नहीं छोड़ना चाहता तो फिर वो समंदर का हिस्सा नहीं बना, वो मामला नहीं है। इस्लाम के अंदर दाखिल हुए लोगों को मसावाद के बलबूते पर उनको उनका साथ देना चाहिए जी। मगर उनकी भी टेस्ट है, अगर डीएनए बेस में वो उनका साथ देते हैं तो फिर मुसलमानों को भी सोचना होगा, अरे ये तो हमारे खिलाफ है। मगर रियलिटी में बात वो नहीं है, रियलिटी में एक डेंजर मामला खड़ा हो गया। आपने इश्यू छोड़ा इसलिए बताता हूं। 3% ब्राह्मण ने मुसलमानों को गुमराह करने के लिए आरएसएस का एक विंग बनाया जिसका प्रमुख बनाया काशी का ब्राह्मण इंद्रेश कुमार, ये हेड बनाया, और उस तंजीम का नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच।
ईसाई राष्ट्रीय मंच ईसाइयों का बनाया, सिख सेवन सेवक संघ सिखों का बनाया, बुद्धिस्टों का आरएसएस ने विंग बनाया, भारतीय बौद्ध संघ, लिंगायतों के अंदर वीरशैव के नाम पर कई सारे उनके एजेंट बने हुए लिंगायत मूवमेंट के खिलाफ। तो अभी बचा कौन है? ये सीएसटी ओबीसी को हिंदू कह रहे हैं। अब जो धार्मिक अल्पसंख्याक है, जो मसावाद के बलबूते पर इकट्ठा है, उनके अंदर भी विवाद खड़ा करने के लिए तंजीम बनाए हैं। दरअसल मामला तो ये है, हमें अपनी फिक्र करनी है, हमारे भारतीय लोगों की फिक्र करनी है, जिसे हमारी नागरिकता खतरे में है, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है। जो अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है आपका भारत बंद, व्हाट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट बजट, इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट बोलती है कि एनपीआर लागू करेंगे, तब आपका प्लान क्या है? दुनिया में अल्पसंख्यक लोग कभी बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते। जी 3% ब्राह्मण है जो 3000 साल से भारतीय लोगों पर राज जमाए हुए है। पहली बार हमें 26 जनवरी 1950 को इन ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद होने का अवसर मिला। आज उन्होंने ईवीएम के माध्यम से संविधान पर पूर्ण रूप से कब्जा किया हुआ है, तो आने वाले समय में मिलिट्री में भी विवाद होने वाला है। जी। पुलिस में भी विवाद शुरू हो गया है। अच्छा। क्योंकि अप्रकाश ब्राह्मीण लोग ज्यादा देर तक राज नहीं कर सकते, वो लोग अपने लोगों के खिलाफ कैसे बंदूकें उठा सकते, उनकी भी नागरिकता का सवाल है, उनकी भी मिलिट्री में बैठे हुए लोगों का नागरिकता का सवाल है। तो आने वाले समय में अगर इस आंदोलन को वो कुचलना चाहेंगे तो 3% ब्राह्मणों को ये भारत की 85% आबादी समय के अनुसार जवाब देंगे। अच्छा। जैसा परिस्थिति होंगी वैसा जवाब दिया जाएगा। अच्छा। अगर लोगों के लोकतांत्रिक हक आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, धरना देना, रैलियां करना, भारत बंद करना, ये लोगों के नैतिक अधिकार है। कभी आपने सुना कि लोगों ने हिंसा किया? लोग आंदोलन कर रहे हैं, बुरका पहनकर अंदर घुस रहे, तो ये लोग हमेशा हिंसा को ही सहारा बनाकर राज कर चुके हैं। मगर अभी उनका ज्यादा देर तक ये नाटक नहीं चलेगा। ये लोकतांत्रिक आंदोलन है, ये दस्तूर बचाने का, संविधान बचाने का आंदोलन है। अगर इस आंदोलन से भी वो नहीं मानेंगे तो फिर अगला आंदोलन हम आने वाले समय में, उचित समय में बताएंगे। मगर हमारा आंदोलन अहिंसक आंदोलन रहेगा। अंग्रेज नाम का विदेशी था, 1 करोड़ लोगों को गांधी ने इकट्ठा किया, बोले चले जाओ, उनको आजाद हमारे लोगों ने किया, तो क्या हमारे लोग इकट्ठा आकर हमारे लोगों को नहीं आजाद कर सकते हैं? आने वाले समय में हम भी क्विक इंडिया मूवमेंट चलाएंगे। जी, तो थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपसे बहुत कुछ आई मीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर ऑफ द इंप्रेशन दैट ये जो कर रही है दिस वॉज एक्चुअली पिच्ड एज हिंदू और मुस्लिम का, लेकिन आपने एक नया पर्सपेक्टिव इसको दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच।